गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मीन्स समन्वय। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? तो सबसे पहले तो जैसा कि वी ऑल हैव स्टडीड अर्लियर कि मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ फाइव डिफरेंट फंक्शंस विच दे आर इंटरलेटेड एंड इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑल्सो। ठीक, एक संस्था में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सभी को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना, सारे जितने भी मैनेजर के जो फंक्शन होते हैं, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक के, उनको एक दूसरे से इंटरलिंक करके गोल की तरफ बढ़ना। ठीक, जिससे कि हम अपने गोल्स को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। तो एक जिस प्रोसेस के द्वारा ये सब कार्य किया जाता है उसे ही कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कई अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करता है जो मैनेजर, जिस प्रोसेस से, उसे ही कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम कोऑर्डिनेशन के सभी फंक्शंस को मोतियों की तरह अगर मान लें, तो कोऑर्डिनेशन उस धागे की तरह है जो कि एक धागे में सभी मोतियों को पिरो के रखता है। तो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, एज यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अभी तक आप समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कोऑर्डिनेशन को एक सेपरेट फंक्शन भी माना जाता है मैनेजमेंट का, हालांकि ऐसा है नहीं। कोऑर्डिनेशन इज़ जनरली कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध का सार है। और अचीविंग हारमनी अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स टूवर्ड्स द एकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए जितने भी इंडिविजुअल एफर्ट्स होते हैं उन सब के बीच में हारमनी इस्टेब्लिश करना, ये कोऑर्डिनेशन ही करता है। जितने भी मैनेजरल फंक्शंस होते हैं वो सब इंडिविजुअली होते हैं। जैसे कि एक संस्था है, उसमें प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, तो ये सभी लोगों के काम में, सबके काम अलग अलग होते हैं, सबके डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, पर इन सभी लोगों के काम में को जो इंटरलिंक्ड करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ये काम कोऑर्डिनेशन द्वारा ही होता है। ठीक, इसीलिए कहा सकता है कि कोऑर्डिनेशन इज़ इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि कोऑर्डिनेशन जो है सभी जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब में वो पहले से मौजूद होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि प्लानिंग विदाउट कोऑर्डिनेशन हो सकता है या स्टाफिंग विदाउट कोऑर्डिनेशन हो सकता है। कोई भी फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेशन के बिना अधूरा होता है। तो नाउ ये कोऑर्डिनेशंस ऑलवेज हेल्प्स टू जस्ट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये एक सेपरेट फंक्शन नहीं होता है। ठीक, और कोऑर्डिनेशन से ही एम्प्लॉई के जो कोऑर्डिनेशन द्वारा, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो कोऑपरेशन भी बेकार होता है। ठीक, कोऑपरेशन भी अच्छा एफर्ट नहीं दे सकता है। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, कोऑर्डिनेशन में समन्वय और कोऑपरेशन में सहायता करना। तो जब अगर आप सहायता कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी को कोई, जैसे कि हम ये वीडियो लॉकडाउन में हम शूट कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अब इस समय अगर किसी को खाने की ज़रूरत है और अब उसको खाने की ज़रूरत ना, खाना ना बांट करके आप उसको स्टेशनरी बांट रहे हैं, तो आप सहायता तो कर रहे हैं पर उसके लिए वो भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि उसको ज़रूरत किस चीज़ की और आप दे किस चीज़ के लिए। आप भी अपने पैसे खर्च कर रहे हैं और उसको भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। ठीक, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत है पहले उसे चाहिए ना, उसे खाना ही नहीं है, आप उसको स्टेशनरी बांट रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आप कोऑपरेशन तो कर रहे हो फिर भी सब वेस्ट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन मे लीड टू द वेस्टेड एफर्ट। कभी कभी ये वेस्टेड एफर्ट हो जाता है फिर। तो नाउ वी कम्स टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो वी ऑल हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल। सारे जो अलग अलग पर्सन होते हैं उनके एफर्ट्स को वो एक करता है। All the efforts of individuals, departments and specialists also. The primary reason for coordination is that departments and individuals in the organizations are interdependent. ठीक,
दैट इज़ दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज़। जैसे कि एक संस्था में जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वो सब एक दूसरे ऊपर निर्भर होते हैं। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं करेगा तो फिर सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स नहीं कर पाएगा, ठीक। मार्केटिंग डिपार्टमेंट एडवर्टाइज नहीं कर पाएगा अगर सेल्स डिपार्टमेंट बताएगा नहीं कि कितने में बेचना है, उसको क्या उसके पैकेट होगी, क्या उसकी विशेषता होगी। तो फिर फाइनेंस मैनेजर अगर वो बताएगा नहीं परचेज़ मैनेजर, तो फाइनेंस मैनेजर जो है वो अच्छे से पहले प्री हैंड नहीं बताएगा कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है परचेज़ करने के लिए, तो फाइनेंस मैनेजर पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाएगा। तो सब एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं। अब इसको एट द सेम टाइम देयर इज़ एन इसीलिए इंडिविजुअल गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को बीच में हारमनी होना ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्या होता है कोऑर्डिनेशन के द्वारा कि जब साइज़ जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ती है, जहाँ पे हार्मनी होती है वहाँ पे एफर्ट्स जो होते हैं अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, और अच्छे रिज़ल्ट के द्वारा अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं और फिर फर्म ग्रोथ होती है, फर्म की ग्रोथ होती है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो होता है, जैसे फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू द डिपार्टमेंट, जैसे कि हम ये अभी बताते हुए जा रहे हैं एग्जांपल्स में, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। तो उन सब में ऑल दीज डिपार्टमेंट में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, सबके अलग अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग होते हैं, ठीक है। तो उन सब में क्या नाम है, अगर सबके अपने अपने रूल होते हैं तो बहुत रिजिड हो जाते हैं सबको, अगर किसी को अथॉरिटी दे दो तो सब अपने अथॉरिटी से पीछे कोई हटना नहीं चाहता है। तो उन सब के बीच में एक तरीके से हार्मनी बैठाना और उन सबको एक दूसरे को क्या नाम है इंटरडिपेंडेंट बनाना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, ये सब कोऑर्डिनेशन द्वारा ही संभव होता है। आज के मॉडर्न युग में क्या है, स्पेशलाइजेशन का युग है, ठीक। हर व्यक्ति एक स्पेशल उसका एरिया होता है और उसी के अकॉर्डिंगली कंपनी में उसे काम दिया होता है। जैसे कोई बात करने की कला में ज़्यादा होता है, या somebody is special in the sales, somebody is special in the marketing, somebody is special in the engineering, तो सबको उन्हीं के अकॉर्डिंगली काम दिया जाता है। तो उनमें भी आज जो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन आजकल चाहिए होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में, ठीक, ये तो हम लोग बता दिए, उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन होता है। तो आपस में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो स्पेशलाइजेशन के ज़माने में जैसे जितने ज़्यादा स्पेशलाइजेशन का युग आ रहा है, कोऑर्डिनेशन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे एक ऑपरेशन होता है तो उसमें कई डॉक्टर्स मिल के करते हैं, पर उन सब डॉक्टर्स की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक। तो लेकिन सभी अगर मिल के काम नहीं करेंगे तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। अब कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे देश में जब कभी भी दिया जाता है किसी को तो वो है डब्बा वाला, ठीक। डब्बा वाला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दिस इज़ अ कंपनी वर्किंग इन द इज़ अ स्टोरी ऑफ सिक्स सिग्मा बिजनेस इंटरप्राइजेज। कंपनी का नाम सिक्स सिग्मा बिजनेस इंटरप्राइजेज है, ठीक। ये मुंबई में वर्क करती है। इनका जो मेन काम है वो है जनरली मेन काम इनका क्या है कि लोगों को खाना पहुंचाना, ठीक। मुंबई में ज़्यादातर जितने लोग वर्क करते हैं तो उनको लंच टाइप में उनको खाना पहुंचाना, तो ये इनका डब्बा वाला काम है। तो इनकी सबसे बड़ा स्टोरी ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो इनकी सक्सेस की लाइन है ना वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मुंबई में इतना ज़्यादा इनका मतलब कि ऑर्डर रहता है कि सभी लोगों को इनकी खासियत है कि एकदम टाइम पे ही खाना मिल जाता है और कुछ मिनट की भी देरी इनकी नहीं होनी चाहिए। ये इनकी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक। तो ऐसा कैसे संभव है, तो द सक्सेस ऑफ बिजनेस लाइज इन द कॉम्प्लेक्स येट वेल कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज, ठीक है, इज कैरीड आउट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। द स्टोरी ऑफ डब्बा वाला बिगिंस इन द किचन ऑफ मुंबई, ठीक है। मुंबई के किचन से इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है। जैसे ही लोग क्या नाम है अपने घर से निकलते हैं, उनके लिए खाना बनना स्टार्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रसोई में स्टार्ट बन रहा होता है, ठीक। हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद सभी लोग, एक डब्बा वाला जो होता है वो टिफ़िन उठाता है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे, जो भी लोकल रेलवे स्टेशन होता है वहाँ जाता है। फिर दूसरा डब्बा वाला उसको डब्बे को सॉर्ट आउट करता है कि किस किस रेलवे स्टेशन पे कौन कौन से कितने डिब्बे उतारने हैं। फिर वो अंदर कई सारे डिब्बे वाले रहते हैं, तो हर एक डिब्बा वाला अपने अपने स्टेशन के अकॉर्डिंगली वो डब्बे लेकर के उतरता जाता है। फिर वहाँ से वो किसी लोकल वाले को, जो वहाँ का जिस स्टेशन पर उतरे होते हैं वहाँ पर कोई एक लोकल डिब्बा वाला होता है उनको देता है, और उसको पूरी जगह की जानकारी होती है तो वो अपने एरिया में तुरंत उसको बटवा देता है। और इसमें कोई टेक्नोलॉजी का मिनिमम इस्तेमाल होता है। जितने डब्बा वाला बांटते हैं वो सब बाईसाइकिल का यूज़ करते हैं, लोकल ट्रेन का यूज़ करते हैं। कम से कम खर्च वाला चीज़ें इस
यूज़ करते हैं, जिससे कि मतलब कि कम बजट में और सस्ते में टिफ़िन उपलब्ध कराई जा सके। और ये इनका काफ़ी बड़ा मतलब बिज़नेस है मुंबई में। तो ईच इन्होंने क्या किया कि पूरे मुंबई को स्मॉल स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स में बांट रखे हैं और हर सेक्टर के लिए एक एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल कर दिया है। और यहाँ पे बहुत सारे जितने एम्प्लॉइज़ आते हैं, इतने बहुत सारे एम्प्लॉइज़ वर्क करते हैं, और जितने भी नए एम्प्लॉइज़ आते हैं पहले उनको पुराने एम्प्लॉइज़ के अंडर में एक दो महीने के लिए वर्क करना होता है या कई महीनों के लिए वर्क करना होता है। जब वो सीख जाते हैं तब उन्हें काम दिया जाता है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि पंक्चुअलिटी और टाइम मैनेजमेंट जो होता है ये डब्बा वाला के एजेंडा पे टॉप पर रहता है। और इनका पूरा बिजनेस जो चलता है वो कोऑर्डिनेशन पे चलता है। अगर एक डिब्बा वाला टाइम पे नहीं पहुँचेगा तो उसके मतलब बाद वाले जितने डिब्बे वाले हैं सब लेट करते चले जाएंगे। एक डिब्बे वाले ने अगर एक लोकल ट्रेन मिस कर दी तो सभी 5-5, 10-10 मिनट लेट होते जाएंगे। तो इसलिए क्या नाम है, पूरा कोऑर्डिनेशन रहता है और टाइम ज़रा सा भी देर नहीं होता है। जैसा कि आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि कभी भी अगर मुंबई की लोकल ट्रेन जो है अगर कुछ भी कोई ट्रेन को अगर रोक दिया जाता है या कुछ ट्रेनें नहीं चलाई जाती है तो तुरंत कईयों के डब्बा जो पहुँचने होते हैं, टिफ़िन पहुँचने वाले होते हैं, वो लेट हो जाते हैं। ठीक, तो ये स्टोरी है डब्बा वाला की। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल इन आवर कंट्री फॉर द कोऑर्डिनेशन। नाउ कम्स टू द आवर टॉपिक की मैनेजमेंट इन द 21st century। तो आज के युग में मैनेजमेंट को जो होता है वो एक मैनेजमेंट सीज द होल वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज। ठीक है, एक वैश्विक गांव की तरह देखता है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट जो होता है वेरी डायनेमिक नेचर का हो गया है। जैसे कि एक मैनेजर जो है वो अगर कई कल्चर को जानता है, तो अगर कोई मैनेजर है वो केन्या में वर्क कर रहा है तो उसको अमेरिका में भी पोस्टिंग मिल जाएगी, तब वो भी जा कर के वहाँ पे अच्छे से काम कर लेगा। तो एक मैनेजर है जो साउथ में काम कर रहा है तो उसको नॉर्थ ईस्ट भेज दिया जाएगा, तब भी वो अच्छे से काम कर लेगा। तो मैनेजर का कोई मैनेजर है जिसको कि क्या नाम है टेक्नोलॉजी की जानकारी है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिसको कि जानकारी नहीं है। तो मैनेजमेंट जो है आज के युग में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और काफ़ी डायनामिक वर्क होता जा रहा है। ठीक, तो इसमें मैनेजर्स को जितने ज़्यादा कल्चर्स की जानकारी होगी, जितने ज़्यादा फील्ड्स की जानकारी होगी, वो उतना ज़्यादा सफल रहेगा। तो थैंक्स द स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, दिस ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड दिस चैप्टर केम टू एन एंड। होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इसमें कोई भी अगर आपको कुछ कमी नज़र आती है इस पूरे वीडियो में या इस पूरे चैप्टर में, हमने इस चैप्टर्स को 10-10 मिनट्स नियर अबाउट 10-15 मिनट्स के स्लॉट्स में बांट करके भेजा है, जिससे कि आप लोग आसानी से देख सकें। अब इसमें कोई भी अगर चेंजेस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।